प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह। जय मसीह। आइए हम आज की आराधना आरंभ करने से पहले प्रार्थना करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाले रखा, आपने हमें ऊँचे उठाया ताकि हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करने वाले बन सके। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आदम मसीह मंडली में हमें शामिल किया ताकि हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करने वाले बन सके। हम धन्यवाद देते हैं जितने भी हमारे जैसे भाई बहन लोगों की परीक्षा चल रही है परमेश्वर पिता, उनको आप आगे करना परमेश्वर पिता, उनकी कक्षा में उनको पास करना परमेश्वर पिता। जिन लोगों का भी पेपर आने वाला है और लास्ट है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता उन लोगों को भी आप उन लोगों को भी देना परमेश्वर पिता, ताकि वो अपने कक्षा में परमेश्वर पिता आगे बढ़ने वाले बन सके। परमेश्वर पिता, आपको ऊँचा उठाने पाए। सर आदमी माँ को देते स्मृति को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। तो आइए हम इस गीत को गाएंगे और इस गीत का बोल है, मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां में सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाएंगे। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएंगे, आइए हम इस गीत को मिलकर गाएंगे। मिलकर हम सना तेरी गाते, I'm not afraid।
वचन में जाने से पहले एक प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई भयंकर अर्पित करेंगी। आइए हम सभी अपने आँखों को बंद करें और उस खुदावन को धन्यवाद दें। हे हमारे परमेश्वर पिता, आपने हमें इतना सुंदर समय दिया कि हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति करने वाले बन सके। और हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जब हम आगे आपके वचन की ओर बढ़ते हैं उसमें से हम जो भी सीखते हैं समझते हैं वो हमारे हृदय में बसने वाले हो सके। और प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, इस समय आपने अनुपम डेविड अंकल के माध्यम से हमें मौका दिया कि हम आपके वचनों को सभी के साथ बांट सके। और प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे साथ जो भी मित्र भाई बहन और लिंक द्वारा जुड़े हैं, आप उन्हें संभालना, सुरक्षित रखना और अपने दोनों को छात्र के नीचे रखना। परमेश्वर पिता, आज के वचन से हम जो भी सीखते हैं वो हमारे हृदय में बसे आदे हो सके। परमेश्वर पिता इस वचन से हम हर पल हर समय एक नया फल हम अपने जीवन में बोने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हर एक बातों के लिए। परमेश्वर पिता, हर इस विनती को आपके उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर हम अपने मनों को लगाएंगे जो खुदावन के पवित्र कलाम में हमें मिलता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका तीसरा अध्याय निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका तीसरा अध्याय और उसे हम पढ़ेंगे 11वां पद को। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और उसके 11वां पद। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। खुदावन को हम धन्यवाद करते हैं कि यह प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन है जो यूहन्ना को प्रकाशन होता है और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रकाशन देते हैं और फिलदिल्फिया की कलीसिया को यह कहते हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। प्रियो, आप और मैं जानते हैं फिलदिल्फिया के लोग, वचन कहता है 7वें पद से पढ़ते हैं, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, वह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरे सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तू मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान के उन सभावलों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी वन बैठे हैं पर है नहीं, उन्हें झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वाकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और जान लेंगे कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय ऊंचा रखूंगा और पृथ्वी पर रहने वालों के सामने परखने के लिए संसार पर आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह फिलदिल्फिया के कलीसिया को, उस कलीसिया के लोगों के विषय में यूहन्ना को प्रकाशन दे रहे हैं और कहते हैं कि इन कलीसिया के लोगों को मैंने देखा है जो पवित्र हैं और वचन के मानने वाले हैं, वचन पे चलने वाले हैं। और वचन कहता है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वचन कहता है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन्हें कहते हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, तेरा मुकुट कोई छीन न ले। और जो कुछ जो तुमने वचन के द्वारा पाया है और जो कुछ तुमने प्रभु के दासों के संगति के द्वारा सीखा है और जो तुम
विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है और उस प्रभु यीशु मसीह की तुम बाट जोते हो, धीरज से थामा है अर्थात बाट जोते हो, वह उसका प्रतिफल इस फिलदिपिया की कलीसिया को देने वाला है। मेरे प्रियो, हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पवित्र वचन बता रहा है कि ये जो कलीसिया के जो लोग थे ये परमेश्वर के वचन को थामे हुए थे, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्मरण करते थे और ये प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते थे। इसीलिए शुरू में ही लिखा है सातवें पद में, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद को कुंजी रखता है, जिसे खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए कोई नहीं खोल सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। और कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, कि कोई समझाने वाला आके नहीं बतला रहा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं। ठीक प्रियो, परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं तो पौलुस भी तिमुथियुस को कहता है कि जो धरोहर, जो धाती, जो तूने मुझसे पाया है उसे क्या कर, थामे रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन है जो आपको और मुझको इस पौलुस की तरह हमें अगुवाई करता है, हमको सिखाता है कि हमें भी किस तरह से उस धरोहर की अच्छी रखवाली करना है। पौलुस कहता है दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसके 14 पद में कहता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। आज जो प्रभु यीशु मसीह के बाद से हमें पवित्र आत्मा प्राप्त हुई है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा इस परमेश्वर के पवित्र वचन की हमें क्या करना है, रखवाली करना है, उसे थामे रहना है, हमें धीरज के साथ उसे थामे रहना है। जी हाँ, आज परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमें भी आज यही सिखलाना चाहता है, क्योंकि पौलुस का प्रिय शिष्य था तिमुथियुस, उसे अपना बेटा और उसे अपना सुसमाचार सुनाने वाला सहायक मानता था। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को वह उसके संग रह करके सुसमाचार प्रचार में काम करता था, इसलिए वो पौलुस की संगति में रहता था। इसलिए वो कहता है कि इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर, अर्थात जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। हमने पढ़ा ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। एक बार की बात है प्रियो, एक व्यक्ति ऊंट खरीदने अपने व्यापार के कार्यों में ऊंट खरीदने गया, और जब वह ऊंट खरीदने गया तो एक अच्छी 3 ऊंट खरीद के ले आया और अपने विश्वास योग्य दास को कहता है कि इसे अच्छे से खोलो और इसकी काठी को निकालो और इसे अच्छे से धो के सुंदर कर दो, ताकि ये हमारे व्यापार में जाने और आने में काम आएगा। और मेरे प्रियो, अवचन हम जब इसको पढ़ते हैं तो आगे कहता है इस कहानी में कि उसका विश्वास योग जो नौकर था, दास था, वो सारे ऊंट के काठियों को, उस गाड़ियों के, उसके सबको खोलकर वह धोने लगता है, तो कुछ सफाई करने के बाद उसे काठी में कुछ हीरे मिलते हैं और वह बहुत खुश और प्रसन्न होता है और आके अपने सेठ को, उस व्यापारी को बताता है कि आपने ऊंट तो खरीदा ही खरीदा और बेशकीमती और बहुत ही बहुमूल्य हीरे को भी आपने ले आया, अब इसे हम रखेंगे और हमारे व्यापार में और तरक्की होगी। उस विश्वास योग्य दास के स्वामी ने उसे देखा और उसे उसने कहा, ये हमारी नहीं है, हमें इसे लौटाना है, ये हमारी नहीं है, हमें इसे लौटाना है। और उसके दास यह कहता है, नहीं नहीं, हमें मिला है, हमने तो ऊंट के साथ इसे पाया, हमने चोरी नहीं किया। तब उसके स्वामी ने बोलता है कि जो मेरा नहीं वो मेरा नहीं, उसे मुझे लौटाना है।
और उसे ढूंढते ढूंढते उसी व्यापार के मेले में गया और उसे लौट जाके उसे लौटाता है और कहता है कि आपने जो ऊंट दिया था उसके साथ बेशकीमती हीरे मेरे साथ आ गए हैं और मैं उसे लौटाने आया हूं। और वह जो बेचने ऊंट बेचने वाला व्यापारी था उसने उस व्यक्ति को उस व्यापारी को कहा कि आपने इतनी अच्छी नेक काम किया है, इस हीरे को हीरे में से कुछ आप निकाल लीजिए। वह नहीं नहीं कहता है तो उस व्यापारी को शक होता है कि आप इतने बेशकीमती हीरे को क्यों नहीं ले रहे हो। कुछ न कुछ बात है और वह हीरे को गिनता है तो सकुशल और उस हीरे को पूरे संख्या में पाता है। और वो जो व्यापारी है वो कहता है, मेरे प्रिय मेरे भाई, मैंने पहले से ही अपना दो हीरा निकाल लिया है, एक ईमान और दूसरा विश्वास योग्यता, एक ईमान और दूसरा विश्वास योग्यता जिसे मैं थामे हुआ। और वह ऊंट बेचने वाला व्यापारी शर्मिंदा हो गया। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह अपने इस वचन के द्वारा सिखलाना चाहते हैं कि हमें भी अपने जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि जो कुछ तेरे पास है हमें उसे थामे रहना है। क्या आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, क्या आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का कर्ता मानते हैं, क्या हम अपनी विश्वास योग्यता और ईमान को आज भी अपने खुदावन के लिए थामे हुए हैं? कहीं ऐसा है तो नहीं कि बीच मझधार में हम और आप उसका साथ छोड़ दें? आइए छोटी छोटी 5-6 बातों को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि जो कुछ है उसे थामे रहे। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का निकट, प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है, इसलिए हमें जो कुछ हमने इस पवित्र बाइबल पवित्र संगति में प्रभु यीशु मसीह के संग में रहकर हमने प्राप्त किया है तो क्यों ना उसे हम थामे रहें। परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है कि जो कुछ हमारे पास है उसे क्या करना है, हमें थामे रहना है। पहली बात हम देखते हैं, हमको अपने विश्वास को थामे रहना है, हमको अपने विश्वास को थामे रहना है, क्योंकि आज इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले अपने विश्वास को खोता है, सबसे पहले अपनी हिम्मत को खो देता है, सबसे पहले वो परमेश्वर से दूर होते चला जाता है। जब व्यक्ति को मनुष्य से ठेस लगती है तो परमेश्वर से अलग हो जाता है, जब मनुष्य को धन से ठेस लगता है तो परमेश्वर से अलग हो जाता है, जब मनुष्य को अपने प्रिय लोगों से ठेस लगता है तो परमेश्वर से दूर हो जाता है और कोई नया उपाय ढूंढने लगता है और वहीं से उसका विश्वास का पतन हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पे चलने वाले भाई बहनों, मैं आपसे अथाह निवेदन और यही आग्रह करता हूँ, जो विश्वास आपने प्रभु यीशु मसीह के पाने के द्वारा ग्रहण किया था उसे अंत तक थामे रहेंगे, तभी आपको वह जीवन का मुकुट मिलेगा। ये वो ऐसी मुकुट नहीं जो मुरझा जाए, सुबह को खिला और शाम को मुरझा जाए, ऐसे मुकुट नहीं। हाँ मेरे प्रियो, आपको और मुझको अपने विश्वास को विश्वास योग्यता में बदलने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति के ऊपर आज हर कोई विश्वास करता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो विश्वास योग्यता के शिखर पर पहुंचते हैं। और वही परमेश्वर का वचन चाहता है कि आप और मैं जो एक बार दामन थाम लिए हैं तो अंत तक हम परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्यता से आगे बढ़ते चले जाएं।
यह नरचिसु समाचार और उसका तीसरा अध्याय और उसका 18 पद कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर गया, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया, हमें अपने विश्वास को थामे रहना है, क्योंकि आप और मैंने उसे अपना जीवन का उद्धार करता माना है। दूसरी बात हम देखते हैं, क्योंकि आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हमें ही सबसे अधिक अपने विश्वास को थामे रहना है, क्योंकि हमारा ही भटक जाना ही संभव है, क्योंकि जो भटके हुए हैं तो भटके हुए हैं, लेकिन जो मसीह में है कहीं वो भी तो नहीं भटक गए। हमें इसलिए अपने आप को थामे रहना है वचन से। हमने पढ़ा ना फिलदिल्फिया की कलीसिया परमेश्वर के पवित्र वचन को थामे रहे। अगली बात हम देखते हैं, जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ है उसे थामे रहे, जो कुछ है उसे थामे रहे। हमें अपने उद्धार को थामे रहना है, हमें अपने उद्धार को थामे रहना है। मेरे प्रियो, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपने गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर पाक और पवित्र किया, तब परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा आपको और मुझको अपने अनुग्रह से ढांप लिया, अपने उद्धार से भर दिया, ताकि आप और मैं जो बिना दाम के इस उद्धार को पाए हैं उसे हमें थामे रहना है, क्योंकि उद्धार ही हमारा एक परिचय पत्र के समान है। इसलिए हमें अपने उद्धार को बनाए रखना है, तब हम प्रभु के करीब हम पहुंच सकते हैं। वो दरोगा जो प्रेतों के काम की पुस्तक और उसका 16 अध्याय उसके 30 पद में कहता है, हे साहिबो, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? वो प्रभु को तो जान रहा है, प्रभु के वचन की संगति को जान रहा है, उसने प्रभु के विषय में सुना है, खुदावन के विषय में सुना है, तभी तो अपने उद्धार के लिए लालायित है। और वह कहता है कि मुझे अपने उद्धार को पाना है, उस उद्धार का अधिकार हर एक को है, उस उद्धार को कोई के दूसरा नहीं दे सकता, सिर्फ परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपको अपना अनुग्रह और उद्धार आपको देगा, कोई मनुष्य किसे नहीं दे सकता। जब तक पिता की आज्ञा ना हो तब तक कोई उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेतों की काम की पुस्तक उसका 4 अध्याय निकालेंगे और उसका 12 पद पढ़ते हैं। वचन कहता है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम, इसीलिए वह दरोगा यीशु मसीह के नाम से उद्धार को पाया, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा को पाया। माय सेल्वेशन इज माय लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। मैं सरोजनी नायडू को प्रभु के वचन की संगति में शामिल होने के लिए प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हमें वचन को थामे रहना है। तीसरी बात हम देखते हैं, हमें अपने पवित्रता को थामे रहना है, हमें अपने पवित्रता को थामे रहना है, क्योंकि जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को पाया, तो जो हमारे अंदर पाप था वो बाहर निकल गया और वो परमेश्वर की संगति में पवित्र होता गया। इसीलिए तो परमेश्वर जब होरे पर्वत पे था और क्या कहते हैं मूसा को अपने संगति में बुलाया, तब उसने पहाड़ के चारों तरफ बाड़ा बांध दिया, कहीं वे भी परमेश्वर की पवित्रता में भस्म ना हो जाए, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता इतनी प्रज्वलित है,
इसे कोई मनुष्य जब तक परमेश्वर ना चाहे उसमें पवित्रता में शामिल ना हो सकता था। इसलिए मेरे प्रियो, हमें पर अपने पवित्रता को थामे रहना है, क्योंकि हम बहुत जल्दी दूसरे की पवित्रता की ओर नज़र उठा लेते हैं, लेकिन हम अपने पवित्रता की ओर आँख भी नहीं उठाते कि हम कैसे हैं। हम यही चाहते हैं कि मैं जो हूँ वही बहुत अच्छा हूँ, जबकि आप और मैं शायद इस परिच्छेद से बहुत भली वाकिफ और बहुत ही करीब में है। कहता है कि इब्रानी की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 14 पद सबसे मेल मिलाप, अर्थात अपने संबंध को एक दूसरे के साथ बहुत आनंदमय संबंध बना के रखना है। फिर उसके बाद कहता है और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि नहीं दे सकता। और हमें यह बात याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह अपने स्वरूप में पिता को दिखलाने आए थे। अब हमारा कर्तव्य है कि हम कैसे प्रभु के संगति के लिए हम अपने आप को पवित्र रखते हैं। हमें बहुत ही अपने पवित्रता के विषय में विचार करना है। कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं तो पवित्र वचन में आता हूँ और वो ही मेरे लिए पवित्रता है, बाकी संसार के जीवन जैसे भी जीवो वो शरीर की पवित्रता नहीं, मुझे आत्मा की पवित्रता चाहिए। मेरे प्रियो, जब दोनों ही पवित्र होगा तब तो हम एक मन होंगे। यदि हमारा शरीर पाप में लदा हुआ है तो आत्मा हमारा शोकित होता है, और जब हमारा शरीर पाक और पवित्र रहेगा हमारा आत्मा हमें आहें भर भर के परमेश्वर की समीपता में दुहाई देकर पहुंचाता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की पवित्रता में बने रहें, अपनी पवित्रता को कभी खोने न दीजिए। अगली बात हम देखते हैं कि हम सबको अपना लक्ष्य हमेशा के लिए याद रखना है कि हमारा सांसारिक जीवन इस संसार का नहीं है। हमारा जो जीवन है, यदि हम संसारिक भी जीवन जीते हमें भी पवित्रता के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। जैसा पौलुस कहता है कि मैं अपने निशाने की ओर बढ़ा जाता हूँ, उसको अपना लक्ष्य के प्रति वह धीरजवान था। वह अपने लक्ष्य को हमेशा पहचानता था कि मुझको किस ओर जाना है। इसीलिए तो वचन में बतलाता है कि मैं अपने शरीर को मारता पीटता कुटता वश में रखता हूँ ताकि परमेश्वर के विरुद्ध पाप न करो। हम अपने लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़ रहे हैं? अरे फिलिप्पियों की पत्री 3:8 से हम आगे पढ़ते हैं तो वचन कहता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। अंतिम और आखिरी बात, छोटी बात, हम देखते हैं कि हमें अपने अंगीकार को थामे रहना है। जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में पहली दफा आए और हमने बड़े ही अदब के साथ, नम्रता के साथ उस अल्टर कॉल के करीब गए थे और हमने अंगीकार किया था कि प्रभु मैं पापी हूं, हमने ये अंगीकार किया था कि पिताजी मैं तेरे विरोध में और स्वर्ग के नजर में मैंने पाप किया है, हमने ये अंगीकार किया था कि आज तक जो भी मैंने अपने जीवन में काम किया सिर्फ बुरा ही बुरा किया, दूसरों को छोटा बनाया, दूसरों की हानि सोची, मैंने प्रभु आज तक तुझे नहीं पहचाना था, मैं अपनी देह प्राण आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ। हमने ऐसा कहकर उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार किया था। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने
उस प्रथम अंगीकार को थामे रहो, जब आप और मैं जवान थे, जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को आज ग्रहण करने वाले थे, हमारे जीवन में कैसे ज्योति थी, कैसे चमक थी शरीर में, कैसे लालसा थी यीशु मसीह को पाने की। और ऐसा लगता था और हम उसमें सब कुछ कर डालेंगे, लेकिन आज आप और मैं कहाँ बैठे हैं, आज आप और मैं किस जगह पे खड़े हैं, आप और मैं किस जगह इस पायदान में खड़े हुए हैं। हमें सोचना है, क्या आप और मैंने उस अच्छी धरोहर को थामा है, उसने हमने अच्छी कुश्ती लड़ी है, यह हमें विचार करना है। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको सिखाता है कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। आइए प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दे कि जैसे उस व्यापारी जिसने ऊँट खरीदा था, उसने ऊँट बेचने वाले से कहा था कि मैंने तो अपना ईमान और अपना विश्वास योग्यता बचा के रखा है। आज वचन प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछता है, क्या आप भी प्रभु के वचन को थामे हुए? आइए हम विचार करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद 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 कहते हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह में हम सबको अपने पास आने दिया, किसी का आपने मुंह नहीं देखा, किसी का आपने भेदभाव नहीं किया, परंतु आपने दोनों हाथों को उठाकर कहा, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उस भीड़ में हर एक को आया और हर एक ने अपना अपना अंगीकार किया और हर एक ने यही वचन लिया, खुदावन मैं जीवन के अंत तक और जब तक आपसे नहीं मिलती तब तक मैं तेरे वचन को थामे रहूंगी। कहाँ है वो वाचा, कहाँ है वो विश्वास, कहाँ है वो ईमान जिसे आज प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन से देखना चाहता है। धन्यवाद देता हूँ यीशु, आज के दिन को आपने हमें दिया। जितने भाई बहन इस ऑनलाइन में शरीक होते हैं, ऑफलाइन में शरीक होते हैं, और प्रभु जी आपने उन सबको नाम बना आशीष दिया कि इस पेज में शरीक हो करके आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। हम बहन रोहिणी नायडू और समीर स्टेनली को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरा मन हृदय प्रफुल्लित है, क्योंकि ये भाई बहन लोग आपके वचन की संगति के नाम से एकत्रित होते हैं। आप हर एक को आशीष करें। हम इन सभी के परिवार में जितने लोग ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन हैं और इस पेज में शरीक, हम उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं, इन सभी के घर घराने पे कल्याण हो और प्रभु इन्हें पवित्र आत्मा से मामूल करें। धन्यवाद यीशु, आपने दुआ को सुना, बिन्तु यीशु नासरे के नाम से मांगता हूँ। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में जय मसीह की।